गणेश उत्सव को लेकर पान सीमल के खेतिया में अत्यधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्थायी रूप से बनाई गई झांकियों को निहार रहे हैं। साथ ही भंडारे का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही गणेश उत्सव के चलते पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बनी केदारनाथ धाम प्रतिकृति को उतारने का सफल प्रयास किया गया है, जहां केदारनाथ मंदिर में भगवान केदारेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। वहीं कई पंडालों में ऊंची ऊंची गणेश मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिव पिपलेश्वर गणेश मंडल द्वारा स्थापित गणेश जी की प्रतिमा काजू और बादाम से बनाई गई है, जो न सिर्फ देखने में आकर्षक दिखाई दे रही है, बल्कि श्रद्धालुओं पर अपना प्रभाव भी छोड़ रही है। महाराष्ट्र स्थित अष्टविनायक की झांकी भी बनाई गई है, जिसे देखने भक्त बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। चप्पल मंदिर के पास न लाए, बोलने के पास ही निकाल पूर्णिया के। जय केदारनाथ। शिव गणेश मित्र मंडल के ओर से आपका हार्दिक शुभकामनाएं। हमने ये झांकी कपड़े में और जो हमारे डांडी प्लेट आती है उससे तैयार करी है, और हमारे साथियों ने रात दिन मेहनत करी और हमने मेहनत करके इसको सफल करा। इसके बावजूद जो भक्तों को आनंद आ रहा है उससे हमको डबल खुशी होती है। और बाबा केदारनाथ के दर्शन लेने के लिए कई लोग चाहते थे हम भाई दर्शन के लिए जाए, पर वो जा नहीं पाते, इसलिए हमने ये सोच रखी कि हम बाबा को यही विराजमान। हिंदू एकता समिति खेतिया द्वारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने अष्टविनायक की झांकी बनाई है। हर वर्ष हम कुछ ना कुछ नया करते हैं मंडल की ओर से, और हर साल हम गणेश जी स्थापित करते हैं प्लस झांकी बनाते हैं कि हमारी अष्टविनायक की झांकी है। यह आठों गणपति अष्ट गणपति जो है महाराष्ट्र में उनके दर्शन करवा रहे हम। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।